बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में एक तरफ सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर हैं, उन्हें लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि आप वहां से हट जाएं। वहीं कंप्यूटर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि उन्हें भी आश्वासन दिया गया था, उन आश्वासनों को पूरा किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए लगातार एक के बाद एक नए ग्रुप सामने आ रहे हैं और अब ये कंप्यूटर टीचर्स भी सामने आ गए हैं। सहायक पुलिसकर्मी पहले से आंदोलन में है, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को लेकर या जेपीएससी के नतीजों को लेकर भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और अब कंप्यूटर शिक्षक भी सड़क पर उतर आए हैं। आखिर क्या कुछ मांग है इनकी? जी बिल्कुल, देखिए इन दिनों झारखंड में आंदोलन का दौर देखने को मिल रहा है और राज्य के जो विभिन्न कर्मचारी हैं अलग अलग कार्यालय के अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। अब इसी क्रम में सहायक पुलिसकर्मी के बाद जो कंप्यूटर शिक्षक हैं, राज्य के जो सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करते हैं, वो अपनी वेतन मांग और स्थायीकरण की मांग को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं और आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या में। वहां पहुंचे उनको उनका जेबीकेएसएस नेता मनोज यादव का भी साथ मिला। वहां मनोज यादव भी पहुंचे और जो शिक्षकों का मनोबल बढ़ाते दिखे। साफ तौर पे यदि कंप्यूटर शिक्षकों की बात की जाए तो वर्तमान में इनकी वेतन 8,000 दी जा रही है। इसको लेकर जो भी शिक्षक है उनका साफ तौर पर कहना है कि इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी सरकार इतनी कम राशि पर हमें काम करवा रही है, क्योंकि BCA MCA BTech करके छात्र मात्र 8,000 में काम करने को मजबूर हैं। इसके साथ ही ये जो कंप्यूटर शिक्षक हैं ये टेंडर बेस पर हैं, अलग अलग कंपनियों को सरकार ने टेंडर दे रखी है जिसके तहत इनको बहाल किया गया है और कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि ठेका प्रथा को बंद किया जाए। इससे ये दिक्कत हो रहा है कि जो आउटसोर्सिंग है इससे दिक्कत हो रही है कि कभी भी किसी भी शिक्षक को निकाल दिया जा रहा है बिना कारण बताए हुए, किसी प्रकार की समस्या हो रही है। इसके इतर उनका साफ तौर पे कहना है कि विद्यालय में और भी जो काम हो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने के अलावा जो और भी जो स्कूली काम है हमसे करवाया जा रहा है, मात्र 8,000 की वेतन में पिछले कई वर्षों से कार्य करने को मजबूर है। इसी को लेकर अपनी वेतन मांग और स्थायीकरण की मांग को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का कार्यालय का घेराव किया गया, जहाँ कुछ प्रतिनिधिमंडल पदाधिकारियों से मिलने भी पहुंचे, उनसे बातचीत भी हुई। हालांकि आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इसको लेकर हमारे पक्ष में कुछ फैसले लिए जाएं। तो सहायक पुलिसकर्मी के बाद कंप्यूटर शिक्षक, पारा शिक्षक या फिर कुछ अभ्यर्थियों की बात कर लें, जेपीएससी जेएसएससी, इन दिनों आंदोलन का दौर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष लगातार देखने को मिल रहा है और अपनी अपनी मांगों को लेकर लोग मुखरता से सरकार को घेरने के पक्ष में दिख रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, और वहीं दूसरी तरफ सहायक पुलिसकर्मी, उन्हें भी वहां से हटने के लिए कह दिया गया है, वहां से क्या कुछ अपडेट आ रही है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए सहायक पुलिसकर्मी की यदि बात की जाए तो सहायक पुलिसकर्मी लगातार 40 दिनों से आंदोलनरत हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। अब इसी को लेकर, क्योंकि अब 15 अगस्त का समारोह हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होना है राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को दिक्कत हो रहा था, अब परेड भी वहाँ पर की जाएगी, तो इसी को लेकर कल यानी बुधवार शाम रांची के एसएसपी का बुलावा आता है सहायक पुलिसकर्मियों कर्मियों के लिए और मंत्री हफीजुल हसन भी बुलाते हैं। तो दोनों के, चाहे एसएसपी आवास की बात कर लें या तो मंत्री हफीजुल हसन की बात कर लें, तो उनके आवास पर सहायक पुलिसकर्मी पहुंचे और लंबे समय तक बातचीत चली। इसके बाद वहाँ से इनको बताया गया कि यहाँ पर हर वर्ष की भांति समारोह होना है, परेड किया जाएगा, इसके लिए आप इस मैदान को खाली कीजिए। तो आज यानी आज जो सहायक पुलिसकर्मी है इस मोरवादी मैदान को खाली करके इनको शिफ्ट किया गया है खेलगांव की, खेलगांव में अभी तत्काल प्रभाव से आप वहां अपना आंदोलन कीजिए। इसके बाद 15 अगस्त के समारोह समाप्त होने के बाद 16 अगस्त को आप यहां फिर से आंदोलन करने के लिए यहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो प्रशासन की ओर से बाकायदा गाड़ी भेज के यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ यहाँ से इनको खेलगांव में शिफ्ट किया गया है सहायक पुलिसकर्मियों को। सहायक पुलिसकर्मी ने भी कहा है कि 15 अगस्त है, 15 अगस्त का मौका है, इसलिए प्रशासन की बात को मानते हुए खेलगांव शिफ्ट होने के लिए सहायक पुलिसकर्मी राजी भी हुए। क्यों, रांची के एसएसपी से भी बातचीत हुई, उसके बाद कहा गया कि 16 अगस्त को आपको फिर से मोरवादी मैदान में ये प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा।
चलिए सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चूंकि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब सरकार इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर क्या निर्णय लेता है ये भी बड़ी बात होगी, और इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।